हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सुथार। दोस्तों अब रात्रि के 1 बज चुके हैं। मैं ट्रेन से जोधपुर एम्स के लिए निकल चुका हूं, क्योंकि कल 6 मई को मॉर्निंग में मेरा ऑपरेशन एडमिट का डेट है। सुबह मुझे एम्स हॉस्पिटल में एडमिट होना है, क्योंकि कल मुझे एडमिट रहना पड़ेगा और 7 तारीख को मेरा ऑपरेशन का डेट है। ट्रेन हाफ एन आवर हुआ है, रवाना हो चुका है। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कल ऑपरेशन का डेट दिया हुआ है और टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचना भी ज़रूरी है, क्योंकि एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में टाइमिंग का पूरा ख्याल रखना होता है। अगर हम लेट भी कल मॉर्निंग ट्रेन में चले जाए तो दोपहर को वहाँ फिर हॉस्पिटल में बेड का मिलना, हॉस्पिटल का भी जो कागज़ कार्रवाई होता है वो भी करने में भी टाइम लगता है। अभी वैसे दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, अगर स्टोन दवाई से निकल जाए तो बहुत बेटर है। क्या होता है कि जब हमारे 8-10 mm का स्टोन होता है, हम लंबे समय तक दवाई लेते हैं, अगर वो दवाई से टूट जाता है तो काफ़ी हद तक वो निकलने के चांस रहते हैं। लेकिन जब स्टोन ही ऐसा सॉलिड बना हुआ होता है तो टूटता ही नहीं है, तब उसके निकलने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हम जब स्टोन का दवाई लेते हैं तो धीरे धीरे करके उसका साइज़ भी कम हो जाता है। मेरे जो 10 mm का स्टोन है, धीरे धीरे कट कर उसका साइज़ तो 8 mm हो गया, लेकिन वो निकल नहीं रहा, बार बार फंस रहा है। ब्लेडर में ही है लेकिन आगे नली में फंस जाता है, इसलिए बड़ी दिक्कत रहती है। बहुत हैवी पेन होता है, यूरिन पास होने में भी बहुत बड़ी दिक्कत होती है, पूरा प्रेशर लगाना पड़ता है, फिर भी मुश्किल से निकल पाता है ऐसा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोगों को मुझे सफ़र करना है, क्योंकि अभी रात्रि के 1 बजे है, ट्रेन लगभग 5 o'clock जोधपुर जंक्शन पहुँचेगा। उसके बाद हमें ओला कैब करके हॉस्पिटल भी पहुँचना है, उसके लिए भी हाफ एन आवर लग जाएगा करीबन। यूँ मानूँ तो मैं मॉर्निंग में 6 o'clock तक एम्स जोधपुर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद IP डिवाइड में भी जाना है, उधर भी बेड के लिए पूरा डॉक्यूमेंट ली है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, और भी उसका जो बिल पे करना होता है, बेड का चार्ज होता है, ऑपरेशन थिएटर का चार्ज होता है, बाकी जो भी रिपोर्ट जो पेंडिंग है या न्यू रिपोर्ट कुछ कर रहे हैं जो चीज़ें कर रहे हैं, उसके लिए अभी मुझे भी कुछ समय के लिए आराम करना है। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हेल्थ के हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये 3-4 घंटे का ही तो सफ़र है, इतना लंबा सफ़र भी नहीं है, लेकिन बिना रिजर्वेशन के थोड़ा जाना मुश्किल रहता है, क्योंकि स्लीपर में आराम से सोते हुए जाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक बैठ भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि दर्द शुरू हो जाता है, थकान महसूस होती है, ऐसा लेजीनेस लगता है, इसलिए ये 3-4 घंटे का सफ़र है। थोड़ा बहुत सोकर भी निकाल लेंगे, थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। कल मॉर्निंग में तो पूरा भाग दौड़ हॉस्पिटल में भी रहेगा। इसलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। आप सब लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप सब लोग खुश रहें, हेल्दी रहें।